Madhu! Hey, Madhu! Your list on top as well. What's your name? Veliska. Veliska. Eeraj. Eeraj. Where are you from? India. Kalina. Kalina. Mumbai. I like your smile, yeah. Smile on. Adil. Roll. मैं धीरज और मेलिसा के साथ मेलिसा के साथ मेलिसा के साथ सेलिब्रेट करो. बहुत सारे बच्चे हैं इधर. एंड मोर देन दैट आई थॉट इट्स अ सुपर्ब इनिशिएटिव जो ये बच्चे लोग कर रहे हैं. एंड आई रियली लाइक हिज स्माइल. आई थिंक ही विल बी अ ग्रेट एंकर व्हेन ही ग्रोज अप. एंड आई थिंक दिस इज द लीस्ट वी कैन डू एज एक्टर्स. वी कम सपोर्ट एंड ब्रिंग अवेयरनेस ऑफ व्हाट दीज किड्स आर ट्राइंग टू डू. और बहुत अच्छी बात है कि स्टूडियो टॉक ने मुझे ये बुलाया इधर. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. सो या जैसे एज अ चाइल्ड व्हाट वाज योर ड्रीम लाइक इन फॉर बिकमिंग लाइक बचपन में कैसे आपके ड्रीम्स. एंड जब मैं छोटा था मैं बहुत मोटा था. लेकिन मेरा ड्रीम तो ये था कि मैं एक्टर बनूँ. लेकिन मेरे को शर्म आती थी बिकॉज आई वॉज 145 किलोज. तो मुझे लगता था मैं किसको बोलूँगा लोग मजाक उड़ाएंगे. बट आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं. एंड आई थिंक दे नो एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्ट. जब तक मैं 16 17 18 साल का हुआ तब तक मैं हिम्मत जुटा पाया कि मैं यू नो लोगों को बोल पाऊँ कुछ कर पाऊँ. आई थिंक नाउ डेज किड्स एट 9 10 दे एग्जैक्टली नो वॉट दे वॉन्ट. एंड इट्स ग्रेट बिकॉज यू नो एज इट्स ग्रेट एज इंडियंस बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ ऑफ इंडिया. सो बहुत सारी मेमोरीज हैं. कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी मेमोरीज है. स्कूल की बहुत सारी मेमोरीज है. चिल्ड्रंस डे पे हम लोग मस्ती. मेरा तो क्या एक ही मिशन रहता था कि मुझे खाने में क्या मिल रहा है. और कैंटीन में ना छोला पाओ समोसा पाओ. यू लाइक समोसा पाओ? समोसा पाओ छोला पाओ वड़ा पाओ. तो मैं क्या करता घर से 2 रुपये 1 रुपये चुरा के ले जाता था बिकॉज घर पे डांटते थे बहुत कि कितना खाओगे तुम. आज किस तरह सेलिब्रेट करेंगे बच्चों के साथ? आई थिंक न्यूज़ रूम में बैठेंगे इनके साथ. ये लोग मुझे बताएंगे करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं ना बच्चों. सो व्हाट्स द न्यू ट्रेंड. ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल? आप बताओ क्या क्या बताने वाले हो आप लोग आजकल? नो प्लेस टू प्ले पोल्यूशन लर्न हाउ टू स्वे. मैंने एक फिल्म बनाई थी छोटी कार्बन 2067 में जहाँ पे हमने दिखाया था कि ऑक्सीजन बाहर बचा ही नहीं है. ये देखा आपने? तो ये आप देख लेना ये बहुत इंटरेस्टिंग है. और मुझे अभी किसी ने कहा कि ये 2067 आपने कहा था लेकिन 2017 में ही दिल्ली में जो हालत हुई वो हो रही है. सो आई थिंक हम सबको मिलके पोल्यूशन के लिए कुछ करना चाहिए. और क्या है? नो प्लेस टू प्ले. लर्न हाउ टू स्वे. लर्न हाउ टू स्वे. गर्ल्स टू कोड. हमारे पास जो डॉग्स है डॉग्स विद द जॉब. एक इजाडोरा एक वायोला दोनों को अडॉप्ट किया है. दोनों को अडॉप्ट किया है आपने? तो आप एक को ले जाएंगे आप एक को ले जाएंगे? चार जने. मैं नहीं मैं इजाडोरा को लेके जाऊंगा. वो अच्छा है बराबी. इजाडोरा को आप ले जाओ. आप क्या करोगे? मैं फ्लोरा को लेके जाऊंगा जो दिल्ली में. दोनों दिल्ली से आए लेकिन फ्लोरा भी नहीं आया है. फ्लोरा नहीं आया? तो आप लोग स्पेशली दिल्ली जाओगे? हाँ हम लोग गए भी है. ओके. और क्या करोगे? और फिर हमारा टॉपिक्स है नो प्लेस टू प्ले गर्ल्स टू कोड. बिहार में हमारे ग्रैंडपेरेंट्स स्टोरी लेते भी लाइक लेट द गर्ल टॉक ना धीरज. हां मेरे लिए कुछ अरे वो सब मतलब देखो ऑलवेज लेट अ गर्ल टॉक फर्स्ट. कैन आई कम विद यू? बिकॉज़ क्या कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है. हां ये बात सही है. कैन आई कम विद यू भी एक टॉपिक है. चिल्ड्रंस डे पे आपको बहुत अच्छी लगती हो कोई एक चीज यूनिक? किसकी? चिल्ड्रंस डे की. आई थिंक सी चिल्ड्रन डे तो एक दिन है जो हम सेलिब्रेट करते हैं. बट बच्चों के लिए तो डेली होना चाहिए. 365 डेज आर डेज फॉर किड्स. एंड दीज आर जस्ट डेज टू रिमाइंड यू लाइक मदर्स डे चिल्ड्रंस डे की इस दिन पे आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करते हैं. बट आई जस्ट फील दैट ये दिन आपको सिर्फ याद दिलाते हैं वापस आपके जहन में याद दिलाते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए. बट आई डोंट फील वी शुड लिमिट आर सेल्व टू ओनली वन डे. मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच आप लोग सब लोग जो इतना प्यार देते हो. एंड बस मेरी जो अगली फिल्म आएगी जाके देख लेना. हाँ जी कसरत एक छोटा सा एनजीओ फर्म टाइप है जो मैंने शुरू किया था. और
कोशिश करता रहता हूँ. जैसे हम लोग ने बैंड्रा में कुछ क्लीनिंग की है, हम लोग ने बीएमसी से तवा रेस्टोरेंट से महबूब स्टूडियो तक क्लीनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी. चिम्बई विलेज में भी गया था मैं. आदित्य ठाकरे जी के साथ भी हमने म्यूनसिपल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया है. आज आया हूँ तो मैं कोशिश ये करता रहता हूँ कि जितना मैं कर सकूँ. और कसरत इसलिए बिकॉज एक तो हिंदुस्तानी वर्ड है और ये शुरुआत फिटनेस से हुई थी. बिकॉज मैं फिटनेस में बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कसरत शुड नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू फिजिकल कसरत, इट शुड बी मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल कसरत और क्लीनिंग कसरत. जैकी भगनानी जो हम कर रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपकी दूसरी पिक्चर किस बारे में होगी? मेरी दूसरी पिक्चर जो है वो एक कॉमेडी है, फन फिल्म है, जो तीन दोस्त हैं, एक लड़की है और वो लड़की इवेंचुअली मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती है. गर्लफ्रेंड पे जो हंसी आई है इनको, चिल्ड्रंस डे पे सीधा वैलेंटाइन डे पे पहुंच गया. चार महीने बाद वैलेंटाइन डे इसका होने वाला है ना. अभी ये अभी सिर्फ 15 का है. तो क्या होने वाला है? हमको इसका फोटो लेना चाहिए, ऐसा एक सेट बनाना चाहिए, उस पर गाना शूट करना चाहिए. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हमारा ऐप भी लॉन्च हुआ है, स्क्रैप भी लॉन्च, और स्क्रैपी डिजिटल भी लॉन्च हुआ है, और हम लोग का टीवी शो स्क्रैपी न्यूज़ टीवी शो. लेकिन ये आप लोग ने बनाया? हाँ, हम लोग ने बनाया. हमने बनाया, आइडिया तो हमने आ रहा है. किसने? गोपी सर, हमारे ये सेट बनाने हेल्पर. गोपी सर का है? गोपी सर, गोपी सर, गोपी सर का इधर ही है. गोपी सर ठीक है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. चलो
आज मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगता था मैं बेसुरा हूँ। आपका गाना गाया अभी हम लोग का स्क्रैपी साथ, ऐसा ऐसे नहीं स्क्रैपी। थ्री टू वन बी स्क्रैपी, ऐसे कर लेते। थ्री टू वन देखो, हम जब मंडल क्लब गए थे ऐसा था, ऐसा था उनका साइन भी कर देगा। ओ इधर है, ऐसे ज्यादा काम करने लगते हैं दो लोग और निकल जाओ। हम लोगों को सिखाने, हम लोग झक मारेंगे क्या कैमरा लेके? नहीं नहीं वो बोल रहा है। अरे एक 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 बच्चा पीछे आ ना, पीछे पीछे सर के पीछे सुन ना, उधर आना, पीछे आना उधर। अबे ऊपर मत बैठ, नीचे हो जाओ थोड़ा, रेडी जल्दी से चले बाहर संतोष, हाँ सारे बच्चों को ले लो जितने भी एंजॉय कितना पीछे दूर से भाई, ये बाजू खेलने दो ना, चल ना ले ना ये बाजू ले घुमा सर, जैकी भाई थोड़ा ये सेक दे, लाइक मिल लेना, पास बॉल पास मेरे पास, सेकंड मैच मेरे पास। मेरा हले नो आई जैकी भाई, थोड़ा फेस कैमरे की तरफ रहे यार। थोड़ा सेंटर में जाओ, संभालो नीचे में जा रहे बच्चे लोग। अरे बाइट थोड़ी है, फोटो है। थोड़ा पीछे बोलो खेलने के लिए, अब लोग बॉल उड़ाओ। स्क्रैपी न्यूज़ का नाम क्या है? अरे पीछे, अरे Sorry, ma'am. No, no problem. Sorry, ma'am. Arey, stop it.
That's why we got Gaurav along. He's our bouncer. Yeah, ji. Yeah, ji. यहाँ पे आ जाइए. यहाँ पे. They're all sitting there waiting. चलो ना बच्चों के साथ कर लेंगे. अरे बोलो ना बच्चों को यहीं पे फुटबॉल वाले. Okay. They can leave and I can spend as much time as you want. इतनी गोरी है कि कुछ नहीं अरे वहाँ कौन सा अरे यहाँ पे टर्न हो जाइए इधर टर्न हो जाइए एक्सक्यूज मी फुटबॉल आप आगे आ जाइए ना डीएम मैम आप दिख ही नहीं रहे हो नहीं नहीं आप ये बीच में आप थोड़ा आगे आ जाइए चलो जरा फैल जाओ ना तुम फैल के खेलो एक ही बॉल अरे एक ही बॉल दिया मैम ए बच्चे लोग थोड़ा फैल जाओ तुम लोग ए मैजिक बस बस मैम फुटबॉल है वो मैम फुटबॉल है वो इधर है बॉल दूसरा बॉल है इधर दूसरा बॉल लो अरे बच्चे लोग साइड हो जाओ साइड हो जाओ इधर इधर अरे इधर इधर आना इधर आना सामने मत आ अरे ऐ ऐसे 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 अच्छा हाँ ऐसे खड़े रहो तब सब लोग आओगे सफाई हो गया बच्चे मारे मोदी का भी फोटो अरे बच्चे लोग अरे बच्चे लोग आओ ये भी है आते नहीं तू है आते फुटबॉल खेला ना बुढ़े बच्चे लोग थोड़ा साइड हो जाओ ऐसे ऐसे सामने कवर मत करो उनकी कंपनी अरे बेटा थोड़ा आ जा पीछे आ जा और पीछे आ जा पीछे आ जा अरे अभी अभी आप सोलो अकेला खेल रहे अरे मत कर रहे Thank you.
The light okay for you guys? Hello. Hi, happy Children's Day everyone. May the rolling. So ma'am, okay, how was it? Children's Day aaj kya kar rahe hain बच्चे दुनिया में सबसे मेरे सबसे फेवरेट किस्म के इंसान हैं वो इसलिए क्योंकि उनमें जो चिल्ड्रन हैव आर नॉन जजमेंटल दे डोंट हैव अगली ईगोज एंड दे आर दे हैव एन अमेजिंग स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड माय फेवरेट थिंग अबाउट चिल्ड्रन इज देयर सेंस देयर एम्पथी वो केयर करते हैं दिल से और इसीलिए मेरे हिसाब से बच्चे दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा है आई थिंक दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड आई एम सो ग्लैड चिल्ड्रन आर टेकिंग द इनिशिएटिव टू कन्वे सम वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थ्रू द स्क्रैपी न्यूज़ Firstly, as an environmentalist and a conservationist, I'm really proud that the Scrappy News Station is the way it is. It's about just they've collected waste from all different, all different kinds of waste and put it together and made this amazing setup. And the fact that they call themselves Scrappy News. So they are basically focusing on the health of their childhood and the true idea of progress. By addressing the things that matter the most to children. And that's so amazing. They are also raising the issue. Yeah, as a kid. You know, I think bachpan ka sabse khoobsurat hissa ye hota hai ki aap carefree hote hain. Aur jab carefree kehti hoon main, matlab free of fear and free of troubles. Unfortunately, aaj ke bachche lad rahe hain. लड़ रहे हैं टू बी केयर फ्री एंड नथिंग ब्रेक्स माई हार्ट मोर क्योंकि अगर हम बच्चों से उनका बचपना छीन लेंगे तो फिर हम बड़े होकर क्या फ़ायदा यस दे चिल्ड्रन आर एक्चुअली रेजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रिटिकल इशू आई वुड एड वन मोर एलिमेंट टू इट बट द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्पेस टू प्ले सो ओपन स्पेसिस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन दैट्स वन मोस्ट क्रिटिकल टू making open spaces conducive to the girl child to play and three the environment to support free play so when I say the environment to support free play agar pradushan itna bad gaya hai vatavaran mein aur bacche bahar ja ke khel na sake to unko maidan deke kya fayda so the most important thing is that hum jo bade hain wo in cheezon par focus dena shuru kare because if we don't care for the environment that our children are breathing the water they're drinking the soil that they're eating from then what is the point of saying you know the children are our future and we are leaving this world for their tomorrow it's all rubbish but nowadays we see the children are taking their interest in the gadget yeah. not in playing in the ground or children will always want to play in the out in the open if we give them space yeah. And I think the children that we are referring to who are addicted to their gadgets belong to a social strata of society. What about all the other children who live in the area that we've just passed through and we've come from? Where do those kids go? Where will they play? Well, to push the physical activity of the children, Mumbai government have an initiative called Mumbai Junior Thon. So what do you like to say about it? I would want the Mumbai Junior Thon to happen on a day when the air quality is good. And I think that's a very important thing that we don't focus on. We talk about outdoor sports, we talk about outdoor activities, we talk about children's health, we talk about children's progress and their well-being. But we somehow, in some strange way, seem to eliminate how critical the environment is to all of that. I'm so proud of them and I'm so proud of the entire Scrappy News team and the Scrappy gang for using waste so creatively, so constructively and educating elders and educating grown-ups. Well done. I'm so proud. Thank you.